हाय फ्रेंड्स, मैं रुखसाना सैफ़ी सैफ़ीज़ किचन में आज आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गन्ने के रस से रस खीर। गन्ने का रस ना सिर्फ ठंडक देता है बल्कि ये एक दवा के रूप में भी फ़ायदा करता है। जॉइंटिस, एनीमिया, हिचकी जैसी बहुत सारी बीमारियाँ इससे ठीक होती हैं। कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम और जिंक जैसे विटामिन भी इसमें मौजूद होते हैं और फाइबर से भी भरपूर होता है। तो ये मैंने शुगर कैन का जूस ले लिया है, करीब 1.5 लीटर है, और इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी तिनके वगैरह होते हैं, कूड़ा होता है। छान ज़रूर से लें। और यहाँ मैं एक पतीला ले रही हूँ और उसमें मैंने इसको पलट दिया है और इसे मैं अब गैस पर चढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसको खीर को बनाने से पहले आप इसे पहले उबाल कर इसकी गंदगी निकाल लें क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी होती है। तो चलिए हम इसे चूल्हे पर रखते हैं। और ये ले लिए हैं हमने चावल, इसको हमने आधा घंटे पहले ही भिगो दिया था। ये कच्चे चावल हैं, आप इसमें टुकड़े वाले चावल भी ले सकते हैं क्योंकि हमें खीर ही तो बनानी है। तो ये मैंने 100 ग्राम ले लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ गैस पर मैंने ये रख दिया है इस रस को और इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए उबाल आने ही वाला है। ये देखिए कितनी गंदगी हमारी ऊपर आ चुकी है, यही हमें निकालनी है। तो ये देखिए हमारा उबाल आ चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इसको निकाल लेते हैं गंदगी को बाहर। ये झाग के रूप में इस तरह से काले काले झाग आएँ, इनको निकालते जाएँ। ये देखिए, ये थोड़ा छोटा स्पैचुला है तो मैं थोड़ा बड़ा वाला ले लेती हूँ, इससे आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो आप ये ज़रूर से निकाल लें, कितनी गंदगी इसमें निकलती है। तो ये देखिए हमने सब साफ़ कर दिया है। अब हम फिर दोबारा इसमें उबाल बुलाएंगे। तो हमने फिर गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और ये देखिए फिर दोबारा इस तरह से फिर झाग आ गए हैं और हम फिर इनको निकाल देंगे। तो जब तक ये गंदगी निकलती रहे, आप इस तरह से ही इसमें उबाल बुलाकर और ये सारी गंदगी को साफ़ कर दें। तो ये मैंने सब साफ़ कर लिया है और मैंने इसको अब कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है रस को, क्योंकि मैं झटपट बनाने वाली हूँ इस खीर को। तो मैंने कुकर ले लिया है, आप चाहे तो इसी पतीले में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी तैयार कर रही हूँ इसे। मैंने रस की गंदगी निकालने की वजह से इसे पतीले में इसको बॉईल किया था, जैसे कि उसके किनारे बाहर की तरफ होते हैं तो बआसानी निकल जाते हैं झाग, और कुकर के अंदर की तरफ होते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती गंदगी निकालने में, बस इसलिए। तो ये देखिए मैंने चावल डालकर कुकर की लिड लगा दी है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और 3 सीटी आने देते हैं। तो ये देखिए 3 सीटी हमारी आ चुकी हैं और हमारी रस खीर बनकर रेडी है। हमें इस तरह की ही कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी थिक साइड पर होती है ये खीर। और ये देखिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने नारियल के कुछ स्लाइस इस तरह से काटे हैं और ये कुछ लेंथ वाइज मैंने बादाम काट लिए हैं, ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये काजू, तो और थोड़े थोड़े बचा लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, और इसको मिक्स कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स इस रस को पीने के शौकीन हैं या रस खीर खाने के शौकीन हैं, इसको देखभाल कर सफाई से ही इसका रस निकलवाएं, अदरवाइज़ ये हार्मफुल भी हो सकता है। बिकॉज़ जहां रस निकलता है वहां काफ़ी मक्खी मच्छर, और सफाई का ध्यान ना रखना ये कई बीमारियों को बढ़ावा देता है। जहाँ इसके रस से कई बीमारियाँ ठीक होती हैं तो कई बीमारियों में इजाफा भी हो जाता है, तो इसीलिए ख़ास ख्याल रखें सफाई का। सो सिंपल रेसिपी, डू ट्राई। तो ये थोड़ा ज़्यादा मीठी साइड पर होती है, तो जिसको हल्का मीठा पसंद है तो वो दूध में मिलाकर खाएं, बेहद टेस्टी लगती है। तो मेरे घर में तो इसे दूध में मिलाकर ही खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे मट्ठा में डालकर भी खाते हैं। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू लाइक ऑल द वीडियोज़ इन दिस चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू सप्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माई नोटिफिकेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, खुदा हाफिज़।